हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, RPF की तरफ से रेलवे कांस्टेबल और रेलवे सब इंस्पेक्टर की 4060 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाइट कितनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, फॉर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी और इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीजें बताऊंगा और वीडियो को सेव कर लेना वरना बाद में आप भूल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हां दोस्तों, RPF की तरफ से RPF कांस्टेबल और RPF सब इंस्पेक्टर के 4060 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक कर सकते हैं। RPF के द्वारा RPF के अंदर 4060 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंदर RPF सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट निकाली गई है और RPF कांस्टेबल की 4208 पोस्ट निकाली गई है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। RPF सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप BA, BCOM, BSc, BCA या और भी कोई डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और RPF कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन है मात्र 10वीं पास। आपने 10वीं पास कर रखी है किसी भी फील्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके 10वीं के अंदर न्यूनतम 33% मार्क्स हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। RPF कांस्टेबल की एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच और RPF सब इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच। OBC को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। आयु की गणना 1/7/2024 को आधार मानकर की जाएगी। बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट की। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं जो कि इस प्रकार है, www.sarkarirezult.com पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। इसके अंदर जनरल OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज रखी गई है और SC/ST और हैंडीकैप के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज रखी गई है और ऑल कैटेगरीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज रखी गई है। और अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती होती है और बाद में आप फॉर्म करेक्शन करते हैं तो उसका चार्ज रहेगा 250 रुपीज। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए जनरल OBC के लिए 165 सेंटीमीटर और SC/ST मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और जनरल OBC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। इसके अंदर फिजिकल के अंदर 4 इवेंट्स होंगे जिसके अंदर 1600 मीटर की रनिंग, 800 मीटर की रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के फिजिकल के बारे में। मेल कैंडिडेट्स को कांस्टेबल फिजिकल के अंदर 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। वहीं सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के अंदर 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप के अंदर कांस्टेबल के फिजिकल के अंदर लॉन्ग जंप 14 फीट क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद 4 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के बारे में। सब इंस्पेक्टर फिजिकल के अंदर मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप 12 फीट क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे और उसके बाद आपको हाई जंप 3 फुट 9 इंच क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अब बात करते हैं फीमेल कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में। फीमेल कांस्टेबल के फिजिकल के अंदर 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा 9 फीट जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद आपको हाई जंप 3 फीट क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अब बात करते हैं फीमेल सब इंस्पेक्टर फिजिकल के बारे में। फीमेल सब इंस्पेक्टर फिजिकल में 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपको 9 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे और उसके बाद आपको हाई जंप 3 फीट क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। ये देखिए sarkarirezult.com की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसका नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा, आप इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए sarkarirezult.com की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा और उसके होम पेज पर जाना होगा। आपको sarkarirezult.com की वेबसाइट पर ओपन करने के बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड शॉर्ट नोटिस, इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कि RPF सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी गई है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। इसके अंदर आपकी जो इनिशियल पे रहेगी वो इस प्रकार है। सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 रुपये इनिशियल पे रहेगी
और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इनिशियल पे 21,700 रुपए रहेगी, और इसके बाद इसके अंदर सारे अलाउंसेस मिलाकर टीए डीए एचआरए राशन मनी सब मिलाकर आपको टोटल अलाउंसेस मिलाकर आरपीएफ कांस्टेबल को 30,000 से लेकर 35,000 रुपए के बीच सैलरी मिल जाएगी, और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को 45,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच सैलरी मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक 15 अप्रैल 2024 को एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट 15 अप्रैल 2024, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो 15 अप्रैल 2024 को एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर आपका सिलेक्शन 4 स्टेज के आधार पर होगा। स्टेज 1 के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, स्टेज 2 के अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट होगा, और स्टेज 3 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और स्टेज 4 के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। के अंदर आपके 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। आपका रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम होगा। सब्जेक्ट में रहेंगे जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। और अगर आप इसकी तैयारी करने के लिए बुक लेना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी करने के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अभी आपके पास टाइम है, इसलिए आप निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।